इन्फेंट्री रोड पर डॉल्फिन स्क्वाड की मौजूदगी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, मुलजमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इंसानियत की तजलील करने वाला, कानून की गिरफ्त में, शहरी को सरेआम बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाला असलहा समेत गिरफ्तार। मुलजिम थाना जनूबी छावनी मुंतकिल, मुश्तल शख्स के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी की भी शनाख्त हो गई। मुतासर शहरी गुलिस्तान की मदियत में अदील मिर्जा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर आला उस्मान बुजदार का वाकई का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। मारूफ आलम दीन और मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कैनेडा रवानगी के लिए लाहौर से कराची चले गए। मौलाना तारिक जमील कराची में रात क्याम के बाद पीर के रोज कैनेडा रवाना होंगे। इन्फेंट्री रोड पर डॉल्फिन स्क्वाड की मौजूदगी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, मुलजमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इंसानियत की तजलील करने वाला, कानून की गिरफ्त में, शहरी को सरेआम बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाला असलहा समेत गिरफ्तार। मुलजिम थाना जनूबी छावनी मुंतकिल, मुश्तल शख्स के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी की भी शनाख्त हो गई। मुतासर शहरी गुलिस्तान की मदियत में अदील मिर्जा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर आला उस्मान बुजदार का वाकई का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। मारूफ आलम दीन और मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कैनेडा रवानगी के लिए लाहौर से कराची चले गए। मौलाना तारिक जमील कराची में रात क्याम के बाद पीर के रोज कैनेडा रवाना हुए।